आज रामनवमी का पावन पर्व है और हम भारतीय राम को अपना पूर्वज मानते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम और माता सीता जैसा पावन चरित्र हो हमारा, और जब हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम और माता सीता जैसा चरित्र होगा तब इस देश में तो राम राज्य आएगा ही, एक आध्यात्मिक भारत और एक आध्यात्मिक विश्व के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी और वह कार्य पतंजलि योगपीठ द्वारा चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जैसा हमारा चरित्र हो, माता सीता जैसा हमारा चरित्र हो, योगेश्वर भगवान कृष्ण जैसा हमारा चरित्र हो, हनुमान जी जैसा हमारा चरित्र हो, गौतम कणाद जैमिने पाणिनि पतंजलि जैसा हमारा चरित्र हो, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सीता आदि जो महान माताएं हुई हमारी, उन जैसा हमारा चरित्र हो, यह हमारी संस्कृति का आधार। और आइए आप सबको जहां एक और हम रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं, वहीं जो हमारे नवदीक्षित सन्यासी हैं, इन्होंने आज से ठीक एक वर्ष पहले रामनवमी के दिन ही इस सन्यास जीवन में प्रवेश किया, यह इनका सबका दिव्य जन्म है का दिन है, तो इनको भी इनके दिव्य जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। हम भगवान राम और माता सीता के चरित्र को 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रख करके अपने जीवन की मर्यादा का 100% पालन करते हुए हम योग के पथ पर, वेद के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ें।